गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और अभी मैं हूँ मनाली में। जी हाँ, मनाली में। आप सोच रहे होंगे दोबारा मनाली क्यों चला गया, तो बता दूं कि जब मैं आया था मनाली वो था समर का समय, तो वो भी अच्छा समय था, चारों तरफ ग्रीनरी। और अभी ये जो समय है ये स्पेशली मेरे लिए था, मैं ही घूमने आया हूँ मनाली। और चार दिन पहले यहाँ दबा के सुनो हुआ है। अभी हम हडिम्बा टेम्पल के पास और यहाँ से जाएंगे वापस। हमारे साथ है कैमरा, उन्हीं ने पकड़ा है, जतिन भैया। आप जतिन भैया को फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, ट्रैवलर जतिन के नाम से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी जर्नी स्टार्ट होती है दिल्ली से बाई वॉल्वो जिंग बस, जो थी हमारी 800 रुपये की। बस का कंडीशन की बात करें तो अंदर से बहुत ही अच्छा था, साफ सुथरा कंफर्टेबल सीट था, जिसमें हमें आधा लीटर पानी का बोतल फ्री मिला। तो ये खाना खा लिया है, बस मजनूगढ़ी लेकर निकल चुकी है। पता नहीं ऐसी बार उस पड़ रही है, देखो इसने दिल बना डाले हैं, प्यार छलक छलक के बाहर आ रहा है। यही है कि जतिन भैया के साथ ट्रैवल कर रहे होंगे। पहली बार आपने देखा था राजस्थान, दूसरी बार देखा था कश्मीर। गुड मॉर्निंग गाइस, और अभी हम हैं मंडी से आगे। यहाँ से अभी मनाली जो बचा है 120 किलोमीटर, और ये खूबसूरत पहाड़ों के बीच में हमारी गाड़ी रुकी हुई है। 10 मिनट का ब्रेक है यहाँ पे, फ्रेश वगैरह होके यहाँ सीधा मनाली निकलेंगे। फाइनली पहुँच चुके हैं मनाली और बस पूरी खाली हो चुकी है, तो बैग वगैरह लेते हैं और उसके बाद रूम पे चलते हैं, फिर आपको हम अपना रूम दिखाते हैं। भैया ने लिफ्ट दे दिया है। भैया भी दिल्ली से आए ना भैया? जी भैया। और टूरिस्ट है भैया, क्या नाम है अभी आपका? भैया उबैद। उबैद भैया हैं, तो माल रोड तक हमें छोड़ देंगे, यहाँ से 200 रुपए बचे हैं। थैंक यू भैया। बात पैसे की नहीं, हम तो एक्सपीरियंस करने आए हैं बेसिकली। वैसे तो मैं भी अपनी गाड़ी ला सकता था भाई, स्नो 3 दिन पहले पड़ रही थी अच्छी खासी। ओके भैया, थैंक यू, छोड़ दिया, लिफ्ट दे दिया, थैंक यू भैया। Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch I'm humbling, keep mumbling, I'll keep doubling, you keep bluffing, you've got nothing, I'll keep hustling. Push par aaj main chukega nahi. और ये देखिए यहाँ पे हुआ है कल बर्फबारी, और पता नहीं है हमारे नसीब में है कि नहीं, कल मिली या ना मिली, लेकिन सुलांग वैली में अभी बर्फबारी हो रही है। प्लान बना रहे उधर जाने का, छोटा सा टूर हमारे ड्रीम रूम का। तो रूम के बात करें तो हमारा रूम जो है इसका नाम है 1965। यहाँ हेरिटेज होटल है और बहुत ही अच्छा होटल है, हमें 2 दिन के लिए 1400 रुपये लगे। ओ माई गॉड, टॉयलेट एक प्रेम कथा, -8 डिग्री में कैसे हो? इसके बाद तो समझते ही हो क्या उनका भाई, ठंड बहुत लग रही है, तो थोड़ा सा बचाना भी जरूरी है। अगर आप मनाली अच्छे तरह से घूमना चाहते हो तो पहले दिन आप ये जरूर कर लेना, फर्स्ट ऑफ ऑल बाइक रेंट। बाइक रेंट की बात करें तो आप मनाली में कहीं भी बाइक ले सकते हैं, जो हमने लिया है 350 ये वाली है। इनके पास बहुत ही सारे कलेक्शन है बाइकों का, अगर आप कभी भी आते हो इस होटल में रुकते या मनाली में कहीं भी हो तो आराम से आपको बाइक मिल जाएंगी, 400-500 के आराम से स्कूटी आपको मिल जाती है। वाह, ये कुछ नज़ारे हैं सुबह सुबह। तो गाइस रूम से निकल चुके हैं और जा रहे हैं हडिम्बा टेम्पल की तरफ, और नज़ारे की बात करें तो आप देख सकते हैं पहाड़ एकदम वाइट हुआ है। तो मनाली की गलियां नाप रहे हैं हम, और ये क्या ही बताएं, एकदम खूबसूरत। थोड़ा सा और मज़ा आ जाता कि स्नो हो जाता, मैं स्पेशली स्नो के लिए आया था और अभी हूँ 4-5 दिन, देखता हूँ बाई चांस स्नो मिल जाए मुझे।
gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. तो आ चुके हैं हरिम्बा माता टेम्पल, ये रहा हमारे पीछे। और आसपास देखा जाए तो पूरा बर्फ ही बर्फ पड़े हैं पेड़ के एकदम नीचे। अभी थोड़ा थोड़ा स्नो पड़ रहा है, ये स्नो ऊपर से नहीं आ रही है, जो पेड़ के ऊपर पत्ते पर पड़े हुए हैं ना वही स्नो नीचे आ रहे हैं। तो अंदर भी चलेंगे, जो गार्डन है ना उसके अंदर का आपको सीन दिखाएंगे। पहले आप देखिए हरिम्बा माता टेम्पल के ऊपर अभी भी स्नो पड़े हुए हैं, कितना शानदार दिखाई दे रहा है। फाइनली जिसके लिए आए थे हम, थोड़ा थोड़ा स्नो पड़ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ये मंदिर है, मंदिर के अंदर जाने के अलावा नहीं है। ऐसे भी हमें पहले आया था मनाली तो उसमें हम मंदिर के अंदर थोड़ा सा सीन दिखा दिया था। तो गाय चलिए अब चलते हैं नीचे ओल्ड मनाली की तरफ। चलते कैफे में बैठते हैं यहाँ से, सस्ता और टिकाऊ और हेल्दी फूड, भुट्टा खाते हैं और उसके बाद नीचे चलते हैं। है 50 का और हम खा रहे हैं भुट्टे, हाफ हाफ प्यार बांट रहे हैं। जतिन भी आप ऐसे बोल रहे हैं, सही है। लेकिन और ये दूसरा एरिया भी बटा हुआ भाई। अच्छा, पूरे मनाली का बर्फ खत्म हो गया, यहाँ बर्फ जमे अभी। उधर से आने के समय हरिम्बा टेम्पल के तरफ नीचे आए ना ओल्ड मनाली के तरफ, ये कुछ खूबसूरत से इग्लू जैसे बनाए गए हैं। और यहाँ पे जो बर्फ पड़े हैं ना अभी, ये ताजे हैं, ऐसा लग रहा है किसी को पता नहीं है ज़्यादातर। हाँ अब देखिए, अब मजा आएगा। तू तो नीचे गिर गया। ओह माय गॉड, पहले दिन मुसीबत गले पड़ गई, जूते गड्ढे के अंदर चल गए, एक जूता भीग गया पूरा मेरा। तो हो गया है कल्याण मेरा, ठंड लग रही है पैरों में, यहाँ पैर घुस गया था मेरा। जी कल नींद खराब ज़्यादा है। मारे बेंजामिन टोपिया लोकेशन ही वन था यहाँ पे। तो अभी हमने घर पे फोन लगाया इन लोगों को, डिजिटली हम सुनो का मजा दिला रहे हैं। ये ममता कुमारी, आपने देखा होगा इनको, एक बार इन्होंने पूरा वीडियो बनाया था छठ पूजा का। और अभी है ये घर बिहार में। तो ममता कुमारी बोलिए कुछ। ये भी आना चाहती है मनाली, आएंगी कभी। चलिए हफ्ते में कितने बर्फ पड़े हैं यहाँ पे, 4 दिन पहले दबा के बर्फबारी हुई है, ये देखो। तो ऐसा लगे आज रात भी स्नो हो जाए तो अलग ही मजा आए, क्योंकि कल भी ज़्यादा स्नो देखने को मिल जाएगा। आ गए हैं ओल्ड मनाली में, और आपको याद होगा पिछला ब्लॉग मेरा देखा होगा जब समर में आया था, तो वो सामने दिखाई दे रहा है मस्टैच हॉस्टल में, उसमें स्टे किया था। और यहीं पे था द लेजी डॉग कैफे, तो फेमस है, बहुत फेमस है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है ओल्ड मनाली। ढक जाएगा, बर्फ तो है के लोग आते हैं या लाइव म्यूजिक भी चलता है। तो आ गए हैं हम लेजी डॉग कैफे, बहुत ही फेमस है जैसा कि बताया, तो देखते हैं अंदर। और ये कुछ बाहर से है, इसका डिजाइन बहुत ही शानदार है यार।
में। ये कुछ अंदर का नज़ारा है, ये लैंप वगैरह शानदार है यार, बैठने के लिए तो है। और बता दूं आपको, ज़्यादातर यहाँ पे सीट पहले से बुक रहती है, अभी तो थोड़ा टूरिस्ट कम है यहाँ पे, जिसकी वजह से सीटें मिल रही हैं, नहीं तो पहले से आप बुक होती है, रिजर्व होता है। आपको खड़े होकर देखना है तो देख सकते हैं इसके लिए। तो हमने मंगाया चिकन हक्का नूडल, जो मैं पड़ा है 240 रुपये का। तो यहाँ पे सस्ता भी नहीं है, महंगा तो है भाई, बजट ट्रैवलर के लिए सच में बोली तो महंगा है। 1900 रुपये का इसमें डिनर है और 120 रुपये से यहाँ पे कॉफ़ी स्टार्ट होती है, 70 रुपये की नॉर्मल टी जो मिलती है बाहर 10 रुपये की, वो यहाँ पे 70 रुपये से स्टार्ट होती है। तो कोई नहीं, हमने मंगाया हक्का नूडल और खाते हैं, उसके बाद नीचे चलते हैं। Hey, I got something, something to say. बढ़िया, स्वाद भी अच्छा है, पैसे दे रहे हैं तो दे भी रहे हैं, नाइस। चलो खाते हैं। तो फाइनली इन दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बनी रहिए। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। हमारे साथ है जतिन भैया जो मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बोलना चाहेंगे जतिन भैया? बिल्कुल बोलिए। मनाली का मौसम का मजा ले रहे हैं, कभी आप भी आए तो आप भी फुल ऑन मजा लीजिएगा हमारी तरह, फुल ऑन। ना आ पाए तो हमारी वीडियो देख के मजा लीजिए। यस यस यस। और कल जाएंगे सुलांग वैली।